विकलांग अधिकार मंच के द्वारा राजधानी में जागरूकता रैली। विश्व विकलांग दिवस के पूर्व संध्या पर विकलांग अधिकार मंच के द्वारा राजधानी में जागरूकता रैली निकाली गई। बुद्ध समृद्धि पार्क से कारगिल चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें दिव्यांग जनों ने हिस्सा लिया। वहीं विकलांग अधिकार मंच के सचिव राकेश कुमार ने सरकार से दिव्यांग आयोग बनाने, दिव्यांगों को रोजगार में प्राथमिकता देने जैसी मांगों को रखा। रैली निकाली गई है, क्या कुछ सरकार से मांगे हैं? आज हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारी मांग ये है कि सरकार हम लोगों को परिपूर्ण भागीदारी दे, जैसे विकलांगता पेंशन को बढ़ाए, उसके अलावा हम लोग को विकलांग आयोग बनाए, विकलांग लोगों को विकलांग का कमिश्नर बनाए, और रोजगार को लेकर मुख्य मांग है कि हमारी रोजगार सुनिश्चित हो। इन सभी मांगों को लेकर और समाज के सभी लोगों को विकलांगता के प्रति जागरूकता को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि कल विश्व विकलांग दिवस है। तमाम लोग विकलांगों के प्रति उनका मानसिकता में बदलाव हो, इसलिए हम लोग आज कर रहे हैं कि हमारा हक और अधिकार सुनिश्चित हो। विकलांग जागरूकता के लिए काफी प्रारंभ होने जा रहा है, सबसे बातों से निवेदन करेंगे कि चलिए सभी लोग कतार के तरीके से आराम आराम से आप लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।